अस्सलाम वालेकुम। आज की तरह एक और नई एपिसोड है। तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं लेरिडो में, लेरिडो टेक्सास। यहाँ पर दुनिया की हर जगह से ट्रक आता है, बेसिकली ऑल ओवर अमेरिका, ऑल ओवर कनाडा, मेक्सिको से, इवन मेक्सिको बिल्कुल इधर ही करीब है, बॉर्डर के साथ ही है। तो हर जगह से आपको यहाँ पर ट्रक नज़र आएगा। अभी थोड़ा सा मसला ये है कि मेरे जो ट्रक में वो हवा नहीं आती ना, जब आप फ्रंट फेस पे लगाती तो हवा नहीं आती। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका कैबिन एयर फिल्टर चेंज होने वाला है। और कैबिन एयर फिल्टर कहाँ है? मेरा जहाँ तक ख्याल है इस जगह पे है, ये जो जगह सामने, क्योंकि मैंने एक नज़र, चले आए चेक कर ही लेते हैं। उससे पहले ट्रेलर का थोड़ा सा वॉक कराना। अभी मैंने डॉक पर लगाया हुआ है, तो डिलीवरी हो रही है यहाँ पर लेरिडो में। अभी अभी बस डॉक पे लगा है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बस अभी मसला रिसेंटली ये आया है कि पहले तो आवाज़ आ रही थी ची 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 की, कोई पुली मुली मसला है, वो तो मैकेनिक के पास ही जाएगा, बट ये फ़िल्टर जो है ये मैं खुद चेंज कर सकता हूँ। तो ये डिलीवरी होने के बाद पिकअप करने से पहले पंप पे जाना पड़ेगा, वहाँ जाके मैं इसका एयर फिल्टर ले लूँगा, केबिन एयर फिल्टर। बाकी तो आई थिंक सारा कुछ ठीक ही है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इंजन ऑयल इसका, एसी भी इसका ख़राब हो गया था पिछले दिनों, ये आप देख सकते हैं, जैसे नया एसी कंप्रेसर लगा सामने, तो पुली की कहीं यहीं से आवाज़ आ रही है। तो अभी तक मुझे कुछ पता नहीं कौन सी पुली है जहाँ से वो ची 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 की आवाज़ आ रही है, बट यहीं पर छोटा मोटा काम है, उतना बड़ा कोई काम है नहीं। तो अभी हमने बेसिकली करना ये है, इसका एयर फिल्टर देखना है केबिन का, और वही चेंज होने वाला है। आई थिंक $10-15 का आता होगा। बाकी ट्रक तो एकदम बम्बू है, बम्बू, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वेयर हाउस है, तो सारा नज़र आ ही रहा होगा। कूलेंट का लेवल ठीक है इसका, मीडियम और मैक्सिमम से थोड़ा सा नीचे है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला ही नहीं। मसला सिर्फ केबिन एयर फिल्टर का है, और वो अभी हमने फिगर आउट करना है। अभी हम वही करने लगे हैं, इसका केबिन एयर फिल्टर है कहाँ पर, पहले तो ये मालूम करना है। मुझे जहाँ तक लगता है इसका जो केबिन एयर फिल्टर है वो जनाब यहाँ पर है। अभी हम मालूम करते हैं, आई थिंक ये जगह, ये आपको जैसे कि नज़र आ भी रहा है, इसका केबिन का जो एयर फिल्टर है ये सामने नज़र आ रहा है, आप लोगों को शायद नज़र आ ही रहा हो, गंदा है। एक सेकंड कैमरे को मैं रखता हूँ। दूसरा इसका वाइपर भी ना चलते चलते गिर गया, जिसकी वजह से आपको नज़र आ रहा है ये निशान पड़ गया यहाँ शीशे के ऊपर ना, इसका वाइपर चेंज होने वाला है। आज हुआ ये था कि बारिश में मैं चला रहा था ट्रक, तो चलते चलते ये गिर गया, गिरने की वजह से जनाब इसके गिरने की वजह से हुआ ये कि लो जी, ये इसका एयर फिल्टर, ये आपके सामने यहाँ से स्लॉट से निकाला। ये मुझे बस थोड़ा सा ये है कि ये जो थोड़ा सा निशान पड़ गया, आई डोंट थिंक ये जाएगा, या ये असल में हुआ ये कि आई डोंट नो वाइपर कैसे उतर गया, बट आपके सामने ही है ये, चलते चलते ट्रक में वाइपर उतर गया, उसको ये एयर फिल्टर ये चेंज होने वाला। अभी के लिए उसको मैं डाल देते हैं, आगे बहुत इंशाल्लाह इसको चेंज करूँगा, ये लाजमी है। इसकी वजह से मेरा जो एसी, जो आई मीन एसी तो चल रहा है, बट इसकी वजह से जो पंखा है ना वो फ्रंट फेस पे नहीं आता, इसकी वजह से। आई थिंक ये इसकी, इसमें कोई इनका आपस में कोई लिंक है, तो अभी तक मुझे खुद पता नहीं चल रहा, मैं खुद इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थी। तो ये अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि ये जो केबिन एयर फिल्टर है ये इसका लिंक उसके साथ है, बेसिकली वापस डाल जा।
अभी ये वापस जा नहीं रहा, चला जा भाई, क्यों दुख दे रहा है, चला गया। ये लाजमी चेंज होगा, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा, इसके बगैर होगा नहीं गुजारा, ये लाजमी चेंज होने वाला है। शुक्र है मुसीबत की जड़ को वक्त डाल दिया आपके सामने। सॉरी मुझे कैमरा नीचे रखना पड़ा थोड़ी देर के लिए, उसकी वजह ये है कि जनाब ये दो हाथों से तो मैं कर नहीं सकता ना, कैमरे को भी होल्ड, फ़ोन को भी, तो थोड़ी देर इसको साइलेंस मोड पे लगाना है। आई थिंक ये इसका फ़िल्टर का मसला है, आई थिंक यूँ ही लगेगा या यूँ लगेगा। शेप यूं बनी हुई है, ये भी एक गेम है उसकी, क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल की गेम है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एक सेकेंड, जैसे कि आप मेरी शक्ल देख सकते हैं, चला जा वापस भाई, क्यों दुख दे रहा है। बेसिकली ये ऐसी चीज़ है कि इसके साथ छेड़ना नहीं चाहिए। हो गया हो गया, अच्छा आप समझ आओगे, ये पहली दफ़ा एक्चुअली मैंने खोला तो मुझे इस चीज़ का इतना पता नहीं था। हो गया हो गया, अल्लाह का शुक्र है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैक टू नॉर्मल लाइक ओरिजिनल। तो ये बेसिकली हमने चेंज करना है, अभी पता चल गया इसको खोलना कैसे, और ये भी पता चल गया इसको चेंज कैसे करना है। इजी है, कोई मसला नहीं। तो अभी हम इस मिशन में तो कामयाब हो गए, अभी अगला मिशन क्या है